आप देख रहे हैं VR News, एक नजर सच्चाई की ओर। प्रेमिका पहुंची प्रेमी के घर, शादी के लिए आए। जब वो शुरू से हमसे बोला है कि हम आप तुमसे ही शादी करेंगे, तुमसे ही शादी करेंगे, जब इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ था, शादी कहीं और क्यों होगा। शादी के लिए पूरे समाज के साथ प्रेमी के घर, आदम की प्रेमिका। कैसे मिले थे आप लोग? वो फेसबुक के द्वारा मिले, फिर उसके बाद फेसबुक बंद होके 2016 में ही सामने में मिले उससे। उसके बाद कॉल द्वारा बात होते रहा, वो आते जाते रहे। जब वो बाहर से आते थे तो मेरे पास भी आते थे, मिलना जुलना इसी द्वारा चालू था। किसी ने क्या खूब कहा है, प्यार अंधा होता है, और आज देख भी लिया। एक बहुत पुरानी कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और आज इस दृश्य को देखकर हम जरूर कहेंगे कि प्यार के लिए कुछ भी करेगा। एक जमाने में मोहब्बत करने वाले प्यार की इबादत किया करते थे, इसे त्याग समझते थे। प्रेमी सच्चा प्यार पाने के लिए अगले जन्म तक का इंतजार किया करते थे, लेकिन आज के इस दौर में अगले जन्म का इंतजार करने के लिए ना तो प्रेमी के पास समय है और ना ही प्रेमिका के पास। जीना भी इसी जन्म में है और मरना भी इसी जन्म में है। आज यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? शादी के लिए आए। जब वो शुरू से हमसे बोला है कि हम आप तुमसे ही शादी करेंगे, तुमसे ही शादी करेंगे, मिलना जुलना हर चीज हुआ। कितना दिन से ये प्रेम प्रसंग चल रहा है? वही 2015 से ही। कैसे मिले थे आप लोग? वो फेसबुक के द्वारा मिले, फिर उसके बाद फेसबुक बंद होके 2016 में ही सामने में मिले उससे। उसके बाद कॉल द्वारा बात होते रहा, वो आते जाते रहे। जब वो बाहर से आते थे तो मेरे पास भी आते थे, मिलना जुलना इसी द्वारा चालू था। जब भी मेरा शादी कहीं लगा तो वो बोला कहीं और शादी नहीं करना है, हम करेंगे, नहीं तो हम कुछ कर लेंगे। वो बोला भी मेरे साथ चलो तो हम बोले नहीं, मेरी अम्मी का तबीयत खराब है, मेरे घर में शादी का माहौल है, सब बोल रहा शादी के लिए, तो बोला नहीं कुछ नहीं, कहीं नहीं करना है, हमसे ही करना है, नहीं तो हम कुछ कर लेंगे। बिहार के सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत छातापुर थाना क्षेत्र के माधोपुर पंचायत स्थित मेहदीपुर बाजार में एक प्रेमी जोड़े की बगावत लोगों में चर्चाएं आम हो रहा है। दरअसल एक प्रेमिका ने अपने गांव के कुछ गणमान्य व्यक्तियों के साथ मेहदीपुर बाजार स्थित प्रेमी के घर आ पहुंची और प्रेमी के गांव के ग्रामीणों को बुलाकर एक पंचायत बैठाई, जहां अपने प्यार को बचाने के लिए वहां मौजूद लोगों से इंसाफ मांगने लगी। पंचों द्वारा आप बीती पूछे जाने पर प्रेमिका ने अपने साथ हुए नाइंसाफी को बयां कर दिया। उन्होंने कहा, 2015 में फेसबुक के जरिए मेरी दोस्ती मेहदीपुर बाजार निवासी इस लड़के से हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, प्यार गहरा होता गया और दोनों ने एक दूसरे के दीदार के लिए 2016 में आमने सामने एक जगह पर मिले। इसके बाद प्यार परवान चढ़ने लगा, समय बीतता गया और मोहब्बत और भी गहरा होता गया। फिर बात आई शादी की, जहां प्रेमी और प्रेमिका दोनों शादी के लिए तैयार थे, लेकिन दोनों के परिवार के आपसी विचार नहीं मिल रहे थे। शादी को लेकर कई बार मेहमान नवाजी भी हुआ, लेकिन बात नहीं बनी। परिवार को समाज के सामने जलील होने से बचाने के लिए दोनों ने भागकर शादी करने से इनकार कर दिया और बेहतर अलग अलग शादी करने का फैसला लिया। उसके अब्बा कुछ जवाब नहीं दिए, तो हम उनको बोले कि ठीक है आप कहीं और कर लीजिए, हम कहीं और कर लेते हैं, तो वो बोला नहीं हम कुछ कर लेंगे। क्या समझौता में क्या हुई थी? समझौता में कुछ नहीं हुई, ये लोग मतलब बोलने लगा लड़का का गलती है, लड़का को छोड़ दीजिए। हम बोले नहीं छोड़ सकते, जब इतना कुछ हो गया, जब हम खुल कर बात बताए, जब इतना सब कुछ मेरे साथ हुआ था, शादी कहीं और क्यों होगा। लड़का आपको साथ देने के लिए तैयार है क्या? साथ देने के लिए तैयार है मेरा, आज वो अपने घर के वजह से अगर वो बोल रहा है नहीं, तो मेरे साथ नाइंसाफी है ना। इसके बाद प्रेमी की शादी कहीं और फिक्स हो गई, शादी की तारीख नजदीक आने लगी, वहीं दोनों को बिछड़ने की बातें सताने लगी, एक दूसरे के लिए मरने मिटने वाली कस्में आंखों के सामने आने लगी, वहीं बेचैनी बढ़ने लगी। तो प्रेमिका ने एक आखिरी चांस लेने का निर्णय लिया और दुनिया की परवाह किए बगैर अपना प्यार पाने के लिए पूरे समाज के साथ प्रेमी के घर आदम की पंचायत बैठाया गया। उस पंचायत में आसपास के गांव के कई गणमान्य व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। पंचों ने लड़की से प्यार का आगाज से लेकर अंतिम दिन तक की बात सुनी। पंचों को लगा कि दो प्यार करने वालों को जब खुदा भी जुदा नहीं कर सकते, तो हम ऐसा करके गुनाह अपने सर क्यों ले। फिर एक कठोर फैसला लिया, लड़के के होने वाले नए रिश्तेदार को बुलाया गया, पूरे समाज के सामने उसे सारी बातें बताई गई। शादी खुशी का पल होता है, जिंदगी भर साथ जीने मरने का रिश्ता होता है,
उन्हें सारी बातों से अवगत कराया गया और फिर अंत में जो फैसला आया वो सारे प्रेमिकाओं के लिए सुखद और इतिहास को बदलने वाला फैसला था। फैसला दोनों प्रेमी जोड़े के हक में गया, होने वाली शादी को रोक दिया गया और दोनों प्रेमी को शादी के लिए हरी झंडी दिखा दी गई। पंचायत के दौरान एक बार को तो ऐसा लगा कि प्रेमी जोड़े शायद ही फिर मिल पाएंगे, लेकिन समाज के फैसले पर प्रेमी जोड़ों को यकीन था कि यहाँ इंसाफ जरूर मिलेगा और ऐसा ही हुआ। पंचों ने दोनों की शादी करने से हामी भर दी और दोनों जोड़े खुशी खुशी जिंदगी जीने का वादा किया। इस घटना के बाद कुछ खास समाज को सीख लेना चाहिए कि जिंदगी प्यार से जीने का नाम है, ना कि प्यार के नाम पर जीवन लेने का नाम है। सुपौल के छतापुर से MS एहसान और इकबाल के साथ व्यूअर्स न्यूज की रिपोर्ट। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।